नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा। मैं सोच ही रहा था कि बिहार के चुनाव आ गए हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी को कब याद आएगी पाकिस्तान की। क्योंकि याद होगा आपको, जब 2015 में बिहार के चुनाव हुए थे, तब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारी या अगर जेडीयू आरजेडी जीते तो पटाखे फूटेंगे पाकिस्तान में। अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विदूषक भारतीय जनता पार्टी के मेन प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के सांसद, वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोला है। मुझे कभी कभार लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई लक्ष्मण रेखा होगी, कोई तो हद होगी और इससे नीचे वो नहीं गिरेंगे। आप अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कह दें, अपने ही सांसदों को पाकिस्तानी कह दें, अब उन्होंने राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कह दिया है। पहले मैं आप चाहता हूं आप संबित पात्रा की इस बात को सुने और फिर मैं इस चर्चा को आगे ले जाता हूं। राहुल गांधी, आप सच बताइए, पी चिदम्बरम उनके साथ, शशि थरूर उनके साथ, अधीर रंजन चौधरी उनके लिए बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर तो है ही, सलमान खुर्शीद तो पहले ही बोल रहे हैं, तो आप क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और मैं आज स्पष्टतः भारत के मीडिया के सामने बोल दूं, हैंस फोर्थ मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा, तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं। तो सुना आपने, अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और राजस्थान से कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने 3 मिसालें देकर संबित पात्रा को आड़े हाथों लिया है। मिसाल नंबर 1 उनकी इस ट्वीट में, जिसमें वो कह रहे हैं कि आडवाणी जो कि जिन्ना की मजार पर गए और वहां पर उनके लिए कसीदे पढ़े। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना की मज़ार पर पहुंचकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ की। नतीजा ये हुआ कि आरएसएस को उनसे बेतहाशा नाराज़गी हो गई थी और वो दिन है और आज का दिन, आरएसएस ने कभी भी आडवाणी जी को माफ़ नहीं किया है। और कम से कम इस तरह से जिन्ना की तारीफ में किसी और राजनेता ने कसीदे नहीं पढ़े। दूसरा मुद्दा, वाजपेयी जो लाहौर गए थे बस में और बाद में जनरल मुशर्रफ को दावत के लिए आगरा बुलाया था। जी हाँ, हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से उन तस्वीरों में जब देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा और अपने मंत्रिमंडल के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंच गए थे और उसके बाद विश्वासघात पाकिस्तान ने हमारे साथ किया था करगिल करके। मुझे याद है जब अटल जी वहां पहुंच गए थे तो उस वक्त पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाव भाव से मुझे लग रहा था कि अटल जी क्यों गए हैं, क्योंकि जिस गर्मजोशी के साथ अटल जी गए थे उस गर्मजोशी के साथ पाकिस्तानियों ने स्वागत नहीं किया। उस वक्त पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें सलामी तक नहीं दी थी, इस तरह से अटल जी की तौहीन की थी। बाद में वो ये भी कहते हैं सचिन पायलट कि मोदी जो कि नवाज शरीफ के ग्रैंड डॉटर की शादी में पहुंच गए थे वहां पर बिरयानी खाने। जी हां, ये दूसरी मिसाल थी जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बेधड़क पाकिस्तान पहुंच गया। और यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश मंत्रालय से मशवरा नहीं किया। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किससे मशवरा किया। और फिर आपको याद होगा किस तरह से हमारे सैनिक बेस पर हमला होता है और ISI को निमंत्रण दिया जाता है। तो संबित पात्रा, जब तुम राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कहते हो जो कि आपके अपने सांसद हैं, देश के सांसद हैं, तो क्या ये जो तमाम मिसाल जो कांग्रेस आपके सामने दे रही है, क्या आपके जहन में ये चीजें भी सामने उभर कर आती हैं? बात यहां नहीं रुकती। संबित पात्रा ने 2 और मिसाल देके कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि शशि थरूर ने लाहौर में एक रैली को संबोधित कर दिया इंटरनेट के जरिए और उस रैली में उन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो शख्स जिन्ना की तारीफ कर रहा था।
अब ये दोनों में ही बहुत दिक्कत है, मैं आपको बताता हूं क्यों। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप संबित पात्रा का ये बयान सुने। आप याद करिए, आज से लगभग 4-5 दिन पहले आप सभी ने एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज दिखाया। आपने दिखाया बिहार के चुनाव में जो ये टिकट आवंटित हुए, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक विधानसभा में उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिस व्यक्ति ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना का समर्थन किया था और जिन्ना के फोटो के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई थी। तो आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कोई पैटर्न है, मैं तो पैटर्न से अधिक देख रहा हूं। एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो जिन्ना का समर्थक हो, कांग्रेस पार्टी जिन्ना के समर्थक को टिकट देती है और वहां रैली संबोधित करती है लाहौर में, आखिर क्यों? जी हाँ, सबसे पहले संबित पात्रा एक बात स्पष्ट कर दूं कि शशि थरूर ने किसी रैली को संबोधित नहीं किया। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जहन में सिवाय चुनावों के कुछ नहीं घूमता है, इसलिए इन्हें रैली ही सुनाई देती है। संबित पात्रा जी, शशि थरूर ने बाकायदा अपने घर में बैठ के एक पाकिस्तानी पत्रकार से बात की थी लाहौर थिंक फेस्ट में, और चूंकि शशि थरूर की नई किताब आ रही है या आने वाली है या आ चुकी है, तो उस किताब को लेकर भी वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या आप भूल गए कि किरण खेर, जो कि आपकी सांसद हैं, उनके अपने पति अनुपम खेर खुलेआम पाकिस्तान में अपनी फिल्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे? तब आपने उन्हें देशद्रोही तो नहीं कहा था? और मैं कुछ और कहता हूं, अगर शशि थरूर ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार की नाकामी की चर्चा की, हालांकि मैं, अगर आप मुझसे पूछें, तो शायद मैं किसी पाकिस्तानी चैनल पर नहीं करता, और इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं ऐसा कुछ कह दूं किसी पाकिस्तानी चैनल पर भारत के खिलाफ, भारत ने खासकर जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया, तो आप मुझे देशद्रोही बता देंगे, क्योंकि ये बीजेपी की सोच है। मगर हकीकत ये है, और आपको नहीं भूलना चाहिए, कि कोरोना को लेकर आपका जो पूरा रवैया रहा है वो नाकामी भरा रहा है। ये तस्वीर देखिए, इस लड़की ने अपने बीमार बाप को 1200 किलोमीटर का सफर तय किया साइकिल पर। मैं नहीं भूला हूं किस तरह से रविशंकर प्रसाद हों या आपकी पार्टी के बाकी नेता हों, वो इस लड़की पर भी सियासत कर रहे थे, मगर उस लड़की ने कहा था कि मुझे आपकी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। संबित पात्रा, आपको चाहिए था कि आप अपनी सरकार की नाकामियों पर नजर डालते, खासकर कोरोना को लेकर। और कोरोना को लेकर तो आपने एक बेसहारा बच्चे की तरह देश के मजदूर को सड़क पर छोड़ दिया था। आप भूल गए क्या उसको, संबित पात्रा? बिहार की मैं मिसाल आपको दे चुका हूं। कोरोना को लेकर संबित पात्रा, आपकी सरकार का, जो हमारी सरकार का जो पूरा रवैया रहा है वो शर्मनाक रहा है, तो हम इस पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। हां, शशि थरूर ने पाकिस्तान पर कहा तो ये देशद्रोह नहीं हो जाता? मैं खुद ऐसा नहीं करता, वो एक अलग बात है, मगर मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक इकलौता व्यक्ति हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं। आप मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे टारगेट करने के लिए अलग अलग प्रपंच, अलग अलग चीजें करते। शशि थरूर एक सांसद हैं, उनके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, इस देश में कई और लोग नहीं कह सकते, मगर कोरोना को लेकर आपकी जो नाकामी थी आप उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। ये शख्स आपके स्क्रीन पर, मशहूर उस्मानी, इसे टिकट दी गई है बिहार से। अब मशहूर उस्मानी के बारे में ये फैलाया जा रहा है कि ये बंदा जिन्ना का समर्थक है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको बतला चुका हूं कि किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान पहुंचकर जिन्ना की मजार पर उनकी तारीफ करते हैं। यही नहीं, जसवंत सिंह ने तो बाकायदा एक बड़ी मोटी सी किताब लिखी थी जिन्ना पर, उसे भूल गए संबित आप? बताइए। और जसवंत सिंह तो आपके पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री भी थे, तो क्या आप इसे इतनी आसानी से भूल जाते हैं संबित? दो दो आपके पॉलिटिकल पार्टी के नेता तारीफ की और दूसरी तरफ उन पर किताब लिखी। अब मशकूर उस्मानी के बारे में कहा संबित पात्रा ने कि मशकूर उस्मानी ने जिन्ना के समर्थन में जो है काम किया। और यही नहीं, इस डिबेट में देखिए, आज तक पर ये डिबेट चल रहा था, ये एंकर और संबित पात्रा इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे कि मशकूर उस्मानी ने जिन्ना की जो तस्वीर है, पोर्ट्रेट है, उसे टांगने का काम किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ऑल्ट न्यूज ने इस बात की पड़ताल की और आपके स्क्रीन्स पर ये सामने उभर कर बात आई
कि जिन्ना की जो तस्वीर है वो 1938 से है, आज की बात नहीं है। लिहाजा मैं आज तक से कहना चाहूंगा कि ये जो डेढ़ फुटिया दंगाबाज हैं, इन्हें जब आप उतारे मंच पर कार्यक्रम करने के लिए, तो मैं जानता हूं कि इनके मुंह से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा निकलता है, उनके पक्ष में एक प्रोपेगेंडा निकलता है। ये लोग कासगंज में दंगे फैलाने का काम करते हैं, मगर इन्हें जरा पढ़ा लिखा कर भेजें, ठीक है, वो आप करने से रहे। और अफसोस ये है दोस्तों कि मैंने खुद आज तक में 5 साल काम किया है, मैं जानता हूं कि उस वक्त किस तरह की पत्रकारिता होती थी। और हाल के दिनों में आपने 2 मिसालें दी हैं जिसमें वाकई मुझे गर्व हुआ था कि मैं संस्था से 5 साल जुड़ा था। पहली बात, जिस तरह की पत्रकारिता तनुश्री पांडे ने हाथरस में की थी। दूसरी बात, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत पर आपने यू टर्न लिया था। चलिए, अगर आप बाद में भटक कर वापस आ गए तो आपको भूला नहीं कहेंगे, है ना? क्योंकि जैसे ही एम्स की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया होता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मर्डर नहीं थी बल्कि सुसाइड थी और उन्हें जहर नहीं दिया गया था, उसके बाद आज तक ने एक यू टर्न लिया था। और इन दोनों ही कदमों के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं, मगर मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे दंगाइयों को कृपया अपने चैनल से दूर रखें। तो जैसा मैंने कहा कि मशकूर उस्मानी के मुद्दे पर भी संबित पात्रा झूठ बोल रहे थे, तो मैं जो आपसे बातें लगातार कह रहा हूं कि देखिए, मैंने माना कि चुनाव हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को क्यों आखिर पाकिस्तान की बैसाखियों की जरूरत पड़ती है, बताइए, आखिर क्यों? बगैर पाकिस्तान के काम नहीं हो सकता क्या? क्योंकि कुछ दिनों पहले एक और सांसद जो थे आपके, वो भी कह रहे थे कि अगर आरजेडी सत्ता में आ गई तो कश्मीर से आतंकवादी निकलकर बिहार में शरण लेने लगेंगे। अपने देश की जनता और अपने देश के नेताओं पर एतबार रखिए, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप बिहार की जनता की तौहीन कर रहे हैं। वो बिहार की जनता जिसके बारे में आपने कोरोना लॉकडाउन में रत्ती भर भी परवाह नहीं की, जो पैदल दिल्ली से चलकर पहुंचा बिहार, ठीक है, तब माननीय नीतीश जो हैं, नीतीश कुमार, अपने घर में दुबके रहे थे, कोई बयान नहीं दिया था। तो एक तरफ लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार की नाकामी और दूसरी तरफ कई और मुद्दे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इसलिए भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का सहारा तो नहीं ले रही, क्योंकि पिछले 5 सालों में या कम से कम पिछले 3 से 4 सालों में नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ है नहीं दिखलाने को। बाढ़ आई, आपने उसे सलीके से हैंडल नहीं किया। यही नहीं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जहां 34 लड़कियों ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, उस मामले में जो मुख्य आरोपी था ब्रजेश ठाकुर, उसके फोन कॉल्स लगातार थे मंजू वर्मा, जो कि आपकी समाज कल्याण मंत्री थी, सामने बात उभर कर आई कि मंजू वर्मा के साथ आप लोग लगातार, उनके पति लगातार बात कर रहे थे। मंजू वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, मगर आपने क्या किया, मंजू वर्मा को फिर से टिकट दे दिया। तो बताओ ना संबित, कैसे तुम अपना मुंह दिखलाओगे? क्योंकि जो शख्स मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उन्हें जमानत मिल गई, वो एक अलग बात है, मगर दागदार रही इस पूरे मामले में, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं ब्रजेश ठाकुर किस तरह से मुस्कुराते हुए, उसकी तस्वीर याद है आपको, किस तरह से बंदा मुस्कुरा रहा था। और इसके फोन कॉल से पता चला कि मंजू वर्मा के पति के साथ इसकी लगातार लंबी लंबी बातचीत होती थी, और उस बालिका गृह कांड को आपने रफा दफा कर दिया, दफन कर दिया। तो ना लड़कियों की ही इज्जत है, बाढ़ को लेकर आपने सलीके से चीजों को हैंडल नहीं किया, और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन में भी आपने सलीके से चीजों को हैंडल नहीं किया, तो क्या इसलिए आपको पाकिस्तान की याद आ रही है? तो चाहे गिरिराज सिंह हो, जो कि बार बार पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, मानो पाकिस्तानी पर्यटन मंत्रालय से इनकी कोई सांठगांठ हो, या फिर संबित पात्रा, गंभीर बनिए, मजाक मत बनाइए चीजों का। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।